खबर आ रही है दिल्ली गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ आज फैसला आना था, लेकिन वो फैसला अब टल गया है। बताया जा रहा है कि ये फैसला 5 अगस्त को आएगा। दिल्ली गैंगरेप में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन आज ये फैसला अब नहीं आएगा, ये फैसला टल गया है। 5 अगस्त तक के लिए फैसले को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला चल रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जहां पर आज फैसला आने की उम्मीद थी। पिछली सुनवाई में बोर्ड ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उम्मीद की जा रही थी कि आज फैसला आ सकता है, जिसका सबको इंतजार था, लेकिन यह फैसला टल गया। मतलब कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है फैसला टलने के पीछे? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की थी जुवेनाइल के एज को लेकर, और उसमें 18 साल से एज को कम करने की बात की थी। उसके मुताबिक एक एफिडेविट भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दायर किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर तारीख तय की गई है, तो उस तारीख के पहले ये फैसला ना सुनाया जाए, उस तारीख के बाद ही ये फैसला सुनाया जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसी के मद्देनजर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस फैसले को 5 अगस्त से पहले टाल दिया है, क्योंकि 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला होना है। तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला सुनाए। यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहले ये देख लेना चाहता है कि जुवेनाइल को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, जिसे लेकर याचिका दायर की सुब्रमण्यम स्वामी ने। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक इसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत एक याचिका दाखिल है। तो कुछ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को फैसला लेगी। शायद यही वजह है कि इस फैसले को अभी फिलहाल 5 अगस्त तक के लिए टाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन।